अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मीटलेस डेज, जिसको लिखने वाली है सारा सुलारी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मीटलेस डेज का सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम खुद भी मीटलेस डेज ही है। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई थी, नंबर वन इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, नंबर टू पर हमने बात की थी एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लें, मैं आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के अंदर एक लाइन दी गई, जो कि एक सिंबॉलिक लाइन है, एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है। लाइन है, आई हैड स्ट्रॉन्गली होप दैट दे वुड से स्वीट ब्रेड्स इंस्टेड ऑफ टेस्टिकल्स बट आई वॉज रॉन्ग। अब ये जो लाइन है, यहाँ पे होप का वर्ड यूज़ किया गया है स्वीट ब्रेड्स के लिए, यहाँ पे कपूरा की बात की जा रही है। स्वीट ब्रेड का वर्ड जो है वो सारा सुलारी की मदर ने यूज़ किया था वर्ड कपूरा के लिए। तो यहाँ पे जो कपूरा है वो सिंबलाइज कर रहा है डिसीट को, फॉल्स होप को। होप जो है यहाँ पे वो लॉस्ट हो चुका हुआ है, और इल्यूजन को यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा है। किस तरह से हम आगे जाके देखेंगे, नरेशन के अंदर बताया जाएगा कि सारा सुलारी की मदर ने जब इसको कपूरा खिलाया था तो उसने कहा था ये स्वीट ब्रेड्स होते हैं, और तब से वो ये खाती आ रही थी। और उसके बाद इसकी जो सिस्टर है तिलत, वो कुवैत से आई है यहाँ पे इसकी अपनी सिस्टर के पास न्यू हेवन में, और वो आगे इसको कपूरा की स्टोरी जो है वो नरेट करेगी। वो उसको बताएगी कि ये स्वीट ब्रेड्स नहीं होते, ये टेस्टिकल्स होते हैं। और जो सारा सुलारी है वो चाहती थी कि वो ये टेस्टिकल जिसको ना कहे, इसको सिर्फ और सिर्फ स्वीट ब्रेड्स ही कहे। तो कहती है, लेकिन आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी। वो एलियन में रहना चाहती थी, वो बेसिकली एक फॉल्स होप की जो बाउंड्री होती है अपने इर्द गिर्द वो क्रिएट करना चाहती थी। बट उसको बाद में रियलाइज़ हुआ ये इसके लिए एक सिंबल ऑफ डिसीट है, धोखा। धोखा किस तरह से कि एक मदर ने इसको कहा कि ये है, और ये समझ के खाती गई। और जब इसको ये स्टोरी पता लगी इसकी रियलिटी क्या है, तो तब से ये बहुत ज़्यादा डाउट रहने लग पड़ी, स्टोरी में दिखाया जाएगा, और सोचने लग पड़ी कि पता नहीं मेरी मामा ने मुझे और क्या क्या इस तरह से खिलाया होगा। तो आपको वो जो फर्स्ट लाइन है उसकी सिग्निफिकेंस समझ आ चुकी होगी। एनी हाउ, जो सारा सुलहरी है वो बताती है अपनी राइटिंग के अंदर कि तिलत जो है वो अपने तीन बच्चों के साथ कुवैत से वन समर, एक समर का टाइम पीरियड था, जो सीज़न था वो समर का था, वो कुवैत से न्यू हेवन में मेरे पास आई अपने तीन बच्चों के साथ। कहते जब वो उनके साथ आई तो ये मुझे उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था, अच्छा भी लगा उनका आना। फिर तिलत और मैंने बातें चातें करना शुरू कर दी, और हमारी जो चिट चैट थी वो मोस्टली किन के बारे में थी, या तो वो मील्स के बारे में थी, डिलेक्टेबल्स के बारे में थी। मील्स कहते हैं खाने पीने को, और डिलेक्टेबल्स कहते हैं जो डिलीशियस किस्म का माउथ वाटरिंग फूड होता है, एपेटाइजिंग, भूख बढ़ाने वाला फूड होता है, उसके बारे में बातचीत करना। तो कहती जब वो आई तो हम लोगों ने एक चैटर बॉक्स की तरह चिट चैट की, क्योंकि एक सेपरेशन थी, बाउंड्रीज थी। वो कुवैत रह रही थी, ये न्यू हेवन रह रही थी, तो दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे से दूर रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद आपस में मिले थे। तो कहती है एक इवनिंग ऐसा हुआ कि एक इवनिंग का टाइम पीरियड था, तिलत मेरे पास है, मुझे कहती है कि तुम पता है कपूरा क्या होता है। सारा कहती है हाँ, उस टाइम मैं खाना पका रही थी। तो कहती हाँ मुझे पता है क्या होता है, ये स्वीट ब्रेड्स होते हैं, और इनको किडनीज के साथ पकाया जाता है। फिर आगे से तिलत कहती है नहीं, ये स्वीट ब्रेड्स नहीं होते, ये टेस्टिकल्स होते हैं जिसको कपूरा कहते हैं। दे आर टेस्टिकल्स, दैट्स वॉट कपूरा रियली आर। अब जब सारा सुलहरी वाली बात सुनती है, स्टोरी में नरेट कर रही है, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, परेशान होती है। और फिर वो कहती है कि इट वॉज माई मदर आफ्टर ऑल हु हैड टोल्ड मी दैट स्वीट ब्रेड्स आर स्वीट ब्रेड्स, कि मेरी माँ ने कहा था ये स्वीट ब्रेड्स होते हैं। एंड इफ़ शी वर रॉन्ग ऑन द स्कोर, देन हाउ मैनी अदर सिंपल इक्वेशंस हैड आई नाउ टू डाउट। द सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट अकर्ड टू मी वॉज इवन मोर अनसेटलिंग। मे बी माई मदर न्यू दैट स्वीट ब्रेड्स आर टेस्टिकल्स, बट हैड कनिंगली डिवाइज्ड अ रूज टू मेक मी कंज्यूम एज मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज शी कुड बिफोर शी सेट मी लूज इन इट। अब यहाँ पर यह क्या लाइन है, ये लाइन जो है एक डिसीटफुलनेस
जो टोन है उसको रेफ़र कर रही है, डाउट को, सस्पिशन को रेफ़र कर रही है कि जब सारा को पता लगा कि अच्छा टेस्टिकल्स होते हैं, तो उसके बाद से कहती है पता नहीं मेरी माँ ने क्या क्या खिला दिया होगा मुझे इस तरह से। और अभी जो मैंने लाइन पढ़ी उस लाइन का मतलब ये था, जो सिम्बॉलिकली देखा जाए, कि मेरी माँ ने मुझे दुनिया में छोड़ने से पहले कि मैं दुनिया में जाऊँ घूमूँ फिरूँ मुझे यूनिवर्स का जितना फूड था वो खिलाया। मतलब वो चाहती थी कि मैं इस दुनिया में जाने से पहले इस दुनिया का जितना भी खाना है वो खा लूँ। इन शॉर्ट जो धोखा है, जो डिसीटफुलनेस है, जो डिफ़ीट है, मैं उसको पहले ही फेस कर लूँ और मैं फर्दर लाइफ के लिए होशियार रहूँ, क्योंकि लाइफ जो है फुल ऑफ डिसीट, फुल ऑफ डिफ़ीट होती है, फुल ऑफ इल्यूजन होती है। तो यहाँ पे जो कबूरा का वर्ड है बेसिकली रेफर ही इल्यूजन को कह रहा है, जिसके अंदर सारा थी और उसको रियलिटी की तरफ तिल्लत उसकी बहन लेके आई थी उसकी रियलिटी बताकर। तो इसके बाद मैंने जब डाउट की बात की थी तो इसी के अंदर कोटेशन है, व्हाट एल्स हैव आई ईटन ऑन हर बिहाफ, कि मैंने और क्या क्या खाया होगा ये सोचकर उसको चक्कर आ रहा था, सर में दर्द शुरू हो गया था। फिर जब कपूरा के बारे में इतना सोच रही होती है सुलहरी, तो तब वो कहती है कि मैं ना, मुझे चाहिए कि मैं कपूरा की जगह ना उसका जो मेट है जो उसके साथ बनाया जाता है उसके बारे में इसको डिस्कस करती हूँ, मतलब उसके साथ रिलेट करके डिस्कस करती हूँ। कहती है आई हैड नेवर सीन कपूरा कुक आउटसाइड द कंपनी ऑफ किडनी, कि किडनी के बगैर मैंने कभी भी इसको पकते हुए नहीं देखा। और फिर वो स्टोरी रिकॉल करती है, कहती है बहुत साल पहले, तकरीबन 25 साल पहले ना ऐसा होगा कि वी वर लिविंग इन लाहौर, हम लाहौर में रहते थे 90 गुलबर्ग हाउस में। कहती तब जो हमारा कुक था ना वो क्यूम था, क्यूम का एक बेटा था और इसकी दो बेटियां थी जिनके साथ हम कभी कभी खेला करते थे, जिसकी सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था मुन्नी। कहती मुझे मुन्नी अच्छे से याद है, क्यों, क्योंकि उसके बाल जो कर्ली थे और वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और उसको फेक पान दिया करते थे, वो पान खाया करती थी, उसकी एक्टिंग किया करती थी। पान क्या होता है सारा सुलहरी उसको डिफाइन करती है। फिर उसके बाद कहती है कि इफ़त मेरी ओल्डर सिस्टर थी, वो क्या करती थी, एक मैंगो का लीफ लेके उसके अंदर कुछ स्टोन्स रख देती थी और फिर वो स्टोन्स रख के मुन्नी को दिया करती थी, मुन्नी उसको पान बना के अपने मुँह के अंदर रखा करती थी। और कहती मुँह के अंदर वही स्टोन्स थे, पेबल्स थे, तो एक दफ़ा मुन्नी रोते हुए अपनी माँ के पास गई और उसने मुँह से सारे पेबल्स जो थे वो पत्थर थे वो बाहर फेंके और ये बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह दिख रहा था। सारा ने ये लिखा बाद में, कहती वो स्टोन्स जो हैं वो एक अजीब सी चीज़ लगती थी, अब मैं जब इमेजिन करती हूँ। और कहती दो स्टोन्स गेट लिंक टू द किडनीज इन माई हेड, क्योंकि वो पत्थर जो थे वो गंदी चीज़ थी और मुझे किडनीज जो है वो बिल्कुल लिंक्ड रखती है उन स्टोन्स के साथ, लेकिन समहाउ जो स्टोन्स थे वो फिर भी बेटर थे इस किडनी से। फिर एक स्टोरी नरेट करती, कहती इट वाज एन इविल डे, कहती बहुत बुरा दिन था और जो मुन्नी के फादर क्यूम थे उनको कहा गया जी टू वाटर बफेलो लेके आनी है, उसका दूध निकालना है, उसकी माँ ने पीना था सारा की। अब वो जो दूध निकाल रहा होता है तो उस टाइम ना शाहिद को पेट्स बड़े पसंद होते हैं और वो कहते शाहिद ने मुझे कन्विंस किया सारा को किस चीज़ के लिए कि हम लोग भी ना दूध निकालते हैं इस बफेलो का। फिर उसके बाद मिल्क होता कैसे का सारा सुलहरी उसको नरेट करती है यहाँ पे अपनी स्टोरी में, कि क्रीमी होता है, इसकी स्मेल पंजेंट होती है, इसके अलावा ये वाइट होता है। सारा कहती है कि जो क्यूम था वो दूध निकाल रहा था और वन बाय वन बच्चों को वो बुला के दूध पिला रहा था। कहती जब मेरी बारी आई तो मैं कह गया मैं वहाँ से भाग गई। When my turn came, my mother, not being there, did not see me run as fast as I could away from the cows and the cook, past the vegetable garden and the goldfish pond, down to the farthermost wall, where I lay down in the grass and tried to faint but could not. और भाग के कहाँ पे गई? एक गार्डन में गई। कहती है मैं यहाँ पे पहले भी दो दफ़ा छुप चुकी हुई हूँ इस हफ्ते में ही और पकड़ी भी गई थी। कर क्या रही थी? कहती मैं वहाँ पर जाके मुझे कहा था कि किडनी खा लो, गुड्डे कबूरे बनाए हुए थे मुझे खाने के लिए कहा, मैंने नहीं खाने थे तो मैं वहाँ से भाग के इस जगह पे, जिस जगह पे अब पहुँची ना गार्डन में, वहीं पे आ गई थी। मैंने यहाँ से कॉली फ्लावर्स खाना शुरू कर दिए थे। कहती मैं छुप छुप के कॉली फ्लावर्स खाया करती थी और किसी को भी नहीं पता था कि मैं खाती हूँ। कहती एक दिन ना क्यूम ने कहा देयर इज एन एनिमल बेगम साहिब, कि ना इस गार्डन में कोई एनिमल है जो कि हमारे ये सारे के सारे कॉली फ्लावर्स खा जाती है। तो कहते हैं जब मुझे पता लगा कि अब इनको पता लग गया है कि कॉली फ्लावर्स जो है वो एक जानवर खा रहा है, मतलब उन्होंने कहा ना एनिमल है जो कि खा रहा है कॉली फ्लावर्स, और अगर से बेगम साहब कहती है ढूंढो और मारो मारो,
वो ये कहती है ना मौर्य का कहती है, तो फिर ये कॉलीफ्लावर छोड़ के रेडिशेस जो मूलियाँ होती हैं उनको खाना शुरू कर देती है, हालांकि वो पकी भी नहीं होती, मतलब छोटी ब्रीक सी होती है, उनको निकालना शुरू कर देती है। और उनको निकालते हुए मुन्नी देख लेती है, और मुन्नी देख के कयूम को बता देती है कि अब्बा जी, शी स्क्रीम्ड फॉर हर फादर लाइक अ ट्रेन इंजन, कि बहुत ऊँची चिल्लाती है अपने फादर का नेम लेकर। कौन? मुन्नी। क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि सारा सलेदी जो थी वो जब मूलियाँ निकाल रही थी बारीक बारीक सी, तो तब उसको मुन्नी ने पकड़ लिया था। तो यहाँ से डिस्कवर्ड हुआ क्या चीज़, के सारा सलेरी बेसिकली कॉलीफ्लावर खाने वाली है, वही मूलियाँ निकालने वाली है, कोई भी एनिमल नहीं है। कहते उसके बाद जब मैं पकड़ी गई, फिर कयूम था, कयूम ने किया मुझे इंसिस्ट किया कि मैं किडनी खाऊं। किडनी के लिए उसने वर्ड किरनी का लिखा है, KIRRNEE। कहते तब तो किडनी के साथ मशरूम्स भी थे और डिफरेंट आइटम्स थे जो मिला के दे दी गई थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे क्यूम इंसिस्टेड दैट ओनली किडनीज कुड सिट ऑन माई प्लेट, कि सिर्फ किडनी डाली जाएगी मेरी प्लेट के अंदर। कहते मेरी प्लेट में किडनीज थी और मैं लेकर आ गई, खाने के लिए बैठी हूँ अपने रूम के अंदर, तो क्या हुआ जी, विकेट इफ़त, इफ़त की बात कर रही है, उसको विकेट कह रही है, केम इन टू द रूम एंड वेटेड टिल आई हैड स्टार्टेड ईटिंग, देन शी इंटरवेंट। अब क्या हुआ, कहते हैं कि मैंने ना अपने कमरे में बैठी हूँ खाने के लिए, वो मुझे देख रही थी, जब मैंने खाना शुरू किया, खाना खाते हुए मुझे टोका, शी इंटरवेंट सारा सेड इफ़त, इफ़त ने कहा, हर आईज ब्रिमिंग ओवर विद वंडरफुल मैलिस। मैलिस कहते हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाना। अब क्या कहती है, डू यू नो वट किडनीज डू, किडनीज मेक पी सारा, इफ अ टोल्ड मी दैट्स वट दे डू, दे मेक पी। तो जब सारा ये सुनती है तो कहती है, बिट्रेड बाय फूड आई लेट हर गो एंड वेप्ट सम वॉटरी टीयर्स इन टू द किडनी जूस। अब क्या हुआ कि सारा रोने लग पड़ी है, बिट्रेड बाय फूड मतलब कि फूड ने उसको धोखा दिया, मेटाफोरिकल लाइन है कि फूड जो है बेसिकली इसकी स्टोरी के अंदर सिंबलाइज कर रहा है अगेन बिट्रेयल को, डिसीट को। फिर इस नरेशन के बाद स्टोरी की नरेशन शिफ्ट होती है लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ, जो कि लाहौर में है। तो कहती है, एक बर्थ हुई है, उस बर्थ पे इसका फादर कहता है, इट इज़ अ गर्ल इफ़र्ट शाउटेड, मतलब फादर कहता है इट इज़ अ गर्ल, अगर से इफ़र्ट शाउट करके वो कहती है, शाउट करते हुए कहती है इट्स अ गर्ल, मतलब वो खुश हो रही है। तो यहाँ पे दिखाया गया एक फेमिनिस्टिक एलिमेंट, क्यों, क्योंकि जब बेटी पैदा हुई है तो फादर सैड था यहाँ पे, इवन के जो भाई शाहिद है इनका, कहते हैं शाहिद अ ईयर माई सीनियर, के एक साल बड़ा होगा मुझसे, वॉज फाउंड हाफ एन आवर लेटर सॉबिंग नेक्स्ट टू द गोल्ड फिश पॉन्ड नियर द वेजिटेबल गार्डन फॉर ही हैड बीन बैंकिंग ऑन द डिल्यूटिंग अराइवल ऑफ द ब्रदर, कि उसको क्या था कि बेटा पैदा होगा, भाई पैदा होगा, लेकिन पैदा कौन नहीं है, सिस्टर। तो कहते हैं माई सिस्टर वॉज ग्लैड दैट इट वॉज अ गर्ल एंड माई ब्रदर वॉज सैड दैट इट वॉज नॉट अ बॉय, बट वी ऑल स्टूड टुगेदर वेन पेंगुइनी वॉज लॉस्ट। पेंगुइनी कौन है? पेंगुइन है बेसिकली इसके जो ब्रदर है उसका एक टॉय। इसके बाद स्टोरी जो थोड़ा सा प्रोसीड होती है, तो वहाँ पे ये इरफान के बर्थ की बात करती है कि सो पुअर इरफानी हाउ मच हिज इन्फेंट टेस्ट बर्ड्स मस्ट हैव कलर्ड हिज परसेप्शन ऑफ द ग्रिमनेस ऑफ ईच डे, इरफान वॉज बोर्न इन लंडन। अब यहाँ पे वो बात क्या कर रही है, बेसिकली इरफान जो है वो लंडन में पैदा हुआ था, और ये क्या है, अनदर बॉय, किसके बाद, शाहिद के बाद, पहले शाहिद था फिर इरफान है। टोटल कितने सिबलिंग्स हैं? टोटल 6 सिबलिंग्स हैं, जिसमें नुजहत जो है वो इनकी स्टेप सिस्टर है फ्रॉम फर्स्ट वाइफ ऑफ ज़िया सुलारी। अब पहले देखा बेटी पैदा हुई, जब बहन पैदा हुई थी तो शाहिद सैड था क्योंकि उसको ब्रदर चाहिए था। अब क्या है, शाहिद की जो विश है वो चेंज हो चुकी हुई है, क्योंकि अब उसको अपने घर में किसी किस्म का प्लेमेट्स नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है। तो अब पैदा कौन हुआ है, फाइनली अनदर ब्रदर, अनदर बॉय, जिसका नाम रखा गया है इरफान, निक नेम इरफानी या फरनी। और उसके अलावा ये पैदा कब हुआ है, सॉरी पैदा कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। और अब क्या कर रहे हैं, इसके फादर ने, इसके पेरेंट्स ने, मदर और फादर दोनों ने डिसाइड ये किया कि दोनों जो हैं अब इरफान को लेकर पाकिस्तान मूव कर जाएंगे। और ये मंथ जो था वो जून का मंथ था। अब जून के मंथ में सारा सलारी सोचती है कि इतनी गर्मी होती है लाहौर में, और इस मंथ में ऐसा होता है कि बच्चा जो है उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पूरी उस हीट को
इसने रेफर किया कि पानी भी यहाँ पे जो बॉयल्ड होता है 10 times ज़्यादा दिखता है बॉयल हुआ हुआ। और कहती है वहाँ पे तो प्रॉपर वे में फूड भी अवेलेबल नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये जून को मोस्ट पिटीलेस मंथ कहती है कि जून को तर्स नहीं आता, इतनी गर्मी ये बरसाता है लाहौर में कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं होता जून में। फिर इसके बाद ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि जब हम पाकिस्तान में थे तो एक दफ़ा क्या हुआ था कि एक क्रो था, वो पानी की टंकी के आगे अंदर मरा हुआ था और हम लोग को पानी काफ़ी वीक तक यूज़ करते रहे थे। हम वो पानी टंकी वाला पीते भी गए और हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। समझ नहीं आता कि यूँ ख़राब हुई है, पता लगा जी पानी के अंदर एक कौवा मरा हुआ है। फिर उसके बाद कहता है जो दूध वाला था उसने मिलावट करना शुरू कर दी, इवन के आइसक्रीम जो थी हिकोस ग्रीन आइसक्रीम थी उसके अंदर भी पिस्ता नहीं डाला हुआ था, कुछ और ही डाला हुआ था। मतलब सारी मिलावट का जिक्र कर रही है, फिर ये फियर ऑफ फूड को रेफ़र कर रही है यहाँ पे साथ ही साथ। एनी हाउ पिक्चर ऑफ लाहौर इसने क्रिएट कर दी, इम्प्योर आइटम्स बता दी पाकिस्तान के अंदर। से मैंने बताया कि जो क्रो का सीन हुआ था, दूध वाले ने जो दूध के अंदर पैराफिन डालना शुरू कर दिया था, आइसक्रीम जो हिको की आइसक्रीम थी ग्रीन आइसक्रीम उसके अंदर पिस्ता नहीं था, कुछ छोरी डाला हुआ था, ये सब कुछ। इसके बाद वो बात करती है रमज़ान की, कहती रमज़ान जो है मुसलमानों का मंथ है जिसमें मुसलमान मिलकर सब रोज़ा रखते हैं। पूरा उसको एक्सप्लेन करेगी कैसे चांद निकलता है, जब चांद निकलता है तो फिर सारे लोग इकट्ठे होकर चांद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आसमान में एक छोटी सी रेज होती है जो कि बड़ी मुश्किल से नजर आती है एक चांद की, वो चांद जो सिग्निफाई क्या करा है एक हिस्टोरिकल इवेंट को, और वो इवेंट क्या है, वो रमज़ान का इवेंट है। फिर उसके बाद कहती है कि जो रमज़ान का आना है मुझे बड़ा पसंद होता था क्योंकि सारे के सारे इकट्ठे होते थे इसके अंदर, और उसमें दादी इफ़त और शाहिद के साथ मैं भी सुबह सुबह उठ जाती थी डाउन के टाइम पे, सहरी के वक्त उठ के हम लोग प्री फास्ट भी लिया करते थे, फिर चोरी चोरी हम लोग ना आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में चैट किया गपशप किया करते थे। कि 3 winter seasons तक ऐसा ही हुआ कि मैं दादी के साथ जो कि मेरी ग्रैंड मदर हैं, इफ़त के साथ और शाहिद के साथ ऐसे ही उठती रही। हम इकट्ठे बैठ के कई जो घंटों तक ना अंधेरे में बैठ के जोक्स बना किया करते थे एक दूसरे के साथ। दादी खाने की बहुत शौकीन थी, कहती है मैं तो सहरी के वक्त उठना पसंद करती थी क्योंकि वो एक टाइम डॉन का था, बड़ा अच्छा टाइम था। लेकिन दादी मुझे तो लगता था रोज़ा इसलिए रखती थी क्योंकि उनको ना खाने का बहुत शौक था। आई थिंक शी फास्टेड ओनली बिकॉज शी सो एन्जॉयड द सहरी मील एंड दैट मामर्थ इन्फ्यूजन ऑफ फूड एट सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और। तो फिर कहती साइलेंट बजता था, सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता था। कहती फिर तिल्लत और इरफान जब इनफ हो गए थे ना ओल्ड, यानी कि बड़े हो चुके थे कि अब जल्दी वो भी उठा करेंगे, कहते जब उन्होंने उठना शुरू किया था ना एट दैट टाइम आई स्टॉप दैट अर्ली राइजिंग ईयर्स बिफोर तिल्लत एंड इरफान वर ओल्ड इनफ टू जॉइन अस, बिफोर इफ़त रैन अवे टू गेट मैरिड एंड बिफोर माई फादर रिटर्न टू रिचुअल एंड ओवरटुक हिज सन शाहिद्स एब्सेंट प्लेस। So my memories of it are sent the fast of the faithful, but I never lost my affection for the twilight meal, the dusky iftar that ended the fast after the mosques had so on. अच्छा यहाँ पर क्या गया कहा गया, यही कहा गया कि कहती है कि जब तिल्लत और इरफान थोड़े बड़े हो गए तो उनसे उनके बड़े उनसे पहले पहले मैंने जो सहरी थी उस जल्दी उठना था वो छोड़ दिया था। इफ़त का बताया कि वो शादी के लिए भाग गई थी, उसके भागने से पहले मेरे फादर के वापस आकर शाहिद का बिज़नेस संभालने से पहले, सॉरी शाहिद की प्लेस संभालने से पहले, फिर इन सब के बाद यानी कि इसने बताया ना कि मैंने सहरी करना छोड़ दी थी। फिर ये इफ्तार की रूटीन बता रही है कि इफ्तार क्या होता है। पहले तो ये कहती मेरी अभी तक अफेक्शन है उसी इफ्तार के साथ, उसी ट्वाइलाइट मील के साथ, और यहाँ पे वो अफ्तार का टाइम नरेट करेगी कि अफ्तार के वक्त में क्या होता था। मगरिब के वक्त अजान होती थी, उस वक्त हम लोग खजूर खाया करते थे। फिर खजूर क्यों खाते थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है, इसलिए हम लोग भी खजूर से रोज़ा खोलते हैं। और अफ्तार में मज़े मज़े के खाने हुआ करते थे जिसमें ग्रिड लिवर साथ में पालक के पत्ते हो गए, चिकपी हो गया, और उसके बाद फ्रेश फ्रूट हो गए। ये सब कुछ नरेट करने के बाद कहती है कि ये ट्रू मीटलेस डेज थे। और जब ये मीटलेस डेज का नाम लेती साथ ही ये 1947 का नाम ले लेती है, पार्टीशन का, इंडिपेंडेंस का, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कहते जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ ना 1947 के टाइम पीरियड, तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि 2 दिन जो है ना वीक के अंदर जो डेज़ हैं वो मीटलेस डेज रहेंगे, जिसमें ट्यूज़डे और वेनसडे आ जाता है। मतलब ये 2 दिन जो है ना गोश्त नहीं बेचा जाएगा। वजह क्या थी, वजह ये थी कि जो नेशनल सप्लाई ऑफ गोट्स एंड कैटल है ना उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो
कहती है एवरी ट्यूसडे एंड वेनसडे द बुचर शॉप वुड स्टे फिमली क्लोज्ड, बंद रहती थी। अब उस दिन क्या होता था, कहते जो बाकी दिन थे ना, मंडे का दिन हो गया। कहती मंडे का दिन बहुत बिजी दिन होता था, क्योंकि अब ट्यूसडे और वेनसडे दुकान बंद रहती थी गोश्त की, तो जिनके पास रेफ्रिजरेटर था वो थ्राइस टाइम गोश्त खरीदते थे तीन दिनों के लिए, और उसको सेव करके रखते थे। और उस दिन मंडे के दिन हर जगह खून खून हुआ करता था। कहते थ्रू आउट पूरा शहर जो था ना, पूरे वीक खून से भरा हुआ होता था। जो बच्चों की जो कसाईयों की जो दुकान होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा होता था। लेकिन ये जो दो दिन थे मंगल के और बुध के, तब सूरज की रोशनी उस खून पर पड़ा करती थी, वो जम जाता था और दुकानें बंद होती थी, तो कोई शोर शराबा नहीं होता था। कहती ऑन मीटलेस डेज, यानी कि ये ट्यूसडे की वेडनेसडे की बात कर रही है, दैट वर्ल्ड एम्प्टीड इनटू अ स्केलेटल रिमेन, द हॉट सन केम टू स्कॉर्च अवे ऑल द ऑडोर्स एंड लिक्विड्स ऑफ स्लॉटर एंड शिवर्ड ऑन द चॉपिंग ब्लॉक्स, द लास्ट कर्लिक्यू ऑफ एनीथिंग ऑर्गेनिक मेकिंग देम लुक बोथ वैकेंट एंड प्रिसाइज। फिर इसके बाद जो ये लाइन रेफर करती है, जो मैंने बताया कि जिनके पास रेफ्रिजरेटर होता है वही मीट लेते थे, यानी कि अपर क्लास को रिप्रेजेंट करी थोड़ा बहुत। कहती द पीपल हु कुड अफोर्ड टू बाय मीट आफ्टर ऑल वर दोज हु कुड अफोर्ड रेफ्रिजरेशन, सो द ओनली थिंग द गवर्नमेंट अकम्पलिश्ड वॉज टू मेक सम पीपल्स मंडेज वेरी बिजी इंडीड, कि कुछ लोगों के बड़े बिजी होते थे। द बेगम्स हैड टू रिमेंबर टू गिव द cooks thrice as much money, the butchers had to produce thrice as much meat. कहती हूँ और इन डेज के अंदर जो मीटलेस डेज होते थे ना, यानी कि मंगल और बुध, उनमें से सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होता था, वो ये होता था कि जिसमें सिरी पाए गोड्स हेड एंड फीट कुक्ड विद स्पाइसेस इन टू अ रिच एंड अंगुल सॉस। तो यहाँ पे बता रही है कि जो मीटलेस डेज थे, मीन्स ट्यूसडे और वेनसडे के जो डेज थे ना, उस डे में सबसे मज़े का ब्रेकफास्ट होता था कि जब सिरी और पाए पकाए जाते थे बकरे के या फिर किसी भी जानवर के। फिर इसके बाद आगे वो बिग मीट और जो है मटन लिटिल मीट उसकी बात करेगी, और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी ये स्टोरी, मतलब स्टोरी शिफ्ट होगी इसकी नुजहत की तरफ। कहती है वंस आई वॉज इन कराची विद माई सिस्टर नुज, वन The thought that she had to engage in the social ferocity of buying chickens was making her quite depressed. अब क्या हुआ, कहती एक नुजहत के साथ मैं कराची में थी, चिकन लेने के लिए गए थे, वो बड़ा डिप्रेस हुई। क्यों, जब चिकन लेने के लिए गई, इसने पूछा चिकन वाले से, चिकन मॉन्गर से, क्या जो चिकन है ये फ्रेश है। तो उसके बाद उसने ना, चिकन मॉन्गर ने कहा था कि आपके सामने ज़िंदा मुर्गी को मार रहा हूँ। एनी हाउ ज़िंदा मुर्गी को मार के चिकन लाया गया, तो उसके बाद ब्लडशेड हुआ हर जगह। ब्लडशेड होना मीन्स के जो मुर्गी थी उसको जब ज़िबा गया तो खून बहा, हाँ ये लाइन ठीक रह गई, खून बहा था हर जगह पे, और उससे वो मुर्गी ज़िबा हो गई थी। तो आगे से कहती है सो अ फ्रेश चिकन इज़ अ डेड चिकन, मतलब अगर किसी चीज़ को मार दिया जाए तो वो फ्रेश होती है, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेथ को। सारा कहती है नोट टू डेड, आई रिप्लाइड इट मेड अस थिंक ऑफ मीटलेस डेज एज सम वास्ट फ्यूनरल गेम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन फ्यूनरल गेम कहा है। कहती मीटलेस डेज यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, जिसके अंदर जो गोश्त था वो नहीं मिलता, लेकिन उससे पहले जो था वो इतना खून बहा, मंडे का दिन था और जगह जगह ज़िबा हो रही हैं, हर जानवर ज़िबा हो रहे हैं, गोश्त मिल रहा है। तो कहती जो ये चीज़ है ना, ये कहती फ्यूनरल गेम बना रही है, यानी कि हर जगह डेथ हो रही है, हर जगह खून फैल रहा है। आगे से नुजत कहती है फूड नु सेड विद डिस्गस्ट इट्स व्हाट यू बरी इन योर बॉडी, कि आप अपने जिस्म के अंदर दफनाते हो। ठीक है, तो इट मींस ये जो लाइंस है, ये लाइंस टाइटल को जस्टिफाई करी, कि टाइटल जो है वो डेथ को सिंबलाइज कर रहा है, डिके को सिंबलाइज कर रहा है। और इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग डेथ्स देखेंगे, एक तो हमारे पास इफ्फत की डेथ आएगी, दूसरी हमारे पास जो सारा सुलहरी की मदर है उनकी डेथ आएगी। ठीक है, इस चैप्टर का नाम भी मीटलेस डेज है, और इसमें जब मीटलेस डेज की बात की जा रही है तो उससे पहले मंडे को यानी कि खून को रेफर किया जा रहा है, और उसके अलावा अलाइव को वो ज़िबा करना, फिर डेथ को रेफर किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये वापस आते हुए कहते हैं टू मेक हर फील लेस अलोन वी स्टॉप एट शिजान्स ऑन द वे होम, शिजान की तरफ रुके हैं, टू गेट हर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मर्जी पान फॉर शी ईट्स नथिंग बट स्वीट थिंग्स, वो सिर्फ स्वीट थिंग्स खाती थी। आप उसके नेचर के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी नूज की फूड शी विल कुक वंडरफुल सिंधी टेस्ट एग्जॉटिक टू माई पैलेट, कि मुझे भूख लग रही है सोच करना कि वो कितना मज़े का सिंधी फूड बनाने वाली है।
बट शुगर इज़ द ओनली थिंग नुज एक्चुअली वॉन्ट्स टू टेस्ट, उस नुजहत को सिर्फ और सिर्फ शुगर ही पसंद है। ये बताने के बाद स्टोरी फिर शिफ्ट हो जाती है जी इरफान पे। आप देख रहे हैं इसमें प्लॉट जो है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इवेंट आगे पीछे हैं। स्टोरी जो है वो इरफान पे शिफ्ट होती है, तो वहाँ पर बताती है कि इरफान जो है परिंदों से बहुत प्यार करता था। अच्छा, अभी ओवरऑल जो मैसेज मिला है ना, वहाँ पे हम लोगों को ये पता लग रहा है कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ये कहना चाह रही है, ठीक है। क्योंकि अभी बताया गया कि इरफान भी जो है ना वो जानवरों को मारने की बजाय, यानी कि परिंदों को मारने की बजाय ना, उनको खाना पसंद करता था। तो सॉरी, उनको खाने की बजाय उनको पालना पसंद करता था, ये वाला पॉइंट। सारा बताती कि खुर्शीद आलम रोड के ऊपर ना हमारा घर था, वहाँ पे हमारे पास 100 ऑफ डव्स थी छत के ऊपर, जिनके बारे में पापा को नहीं पता था, क्योंकि पापा जो है वो डव से नफरत करते थे, उनको डव्स नहीं पसंद थी। पापा जब घर पे अपना काम कर रहे होते थे तो उनको कहीं से परिंदों की आवाज़ आनी, तो उनको ज़रा चिड़ सी होनी, नफरत सी होनी, उन्होंने कह देना इरफान को कि जाके देख के आओ ऊपर, ताकि इरफान को जो है समर के अंदर छत पे सुला दिया जाता था, ताकि जो वहाँ पे जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही हैं उनको शू करके वहाँ से उड़ा दे। अब एक दिन क्या हुआ, मतलब इसकी इरफान की और इसके पापा की अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन एक दिन थिंग्स फेल अपार्ट। हुआ क्या, इसके फादर ने इसकी एकेडमिक प्रोग्रेस देखने के लिए इरफान की, इसको उर्दू और मैथ के ट्यूटर लगा दिए, और वहाँ पर वो ट्यूटर्स बताते हैं कि जो कैट थी वो इनके 5 डव्स खा चुकी है, अब सॉरी 50 डव्स खा चुकी है। अब फादर को तो नहीं पता था कि इनके घर में डव्स रखी हुई हैं। फादर बड़ा हैरानगी से उनके मुंह देखता है, मतलब ये क्या कह रहे हैं। और यहाँ से पता लगता है इसको कि वो जो वो डव्स थे वो इसके अपने ही घर पे थे, ठीक है। इस इवेंट को इतना ही बताने के बाद जो स्टोरी है वो नरेट कर देती है, मतलब शिफ्ट कर देती है सारा इसके फादर की तरफ, कि इसका फादर जो है ना उसको एक वर्ड बड़ा पसंद है, यूबेरा। बेसिकली सारा के जो फादर है उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। तो कहती है, पापा हैड हिज ओन यार्ड स्टिक, अ वर्ड ही लव्ड विद विच टू मेजर हिस्ट्री एंड वुड टॉक अबाउट द अयूबेरा और द सेकंड मार्शल लॉ और द बुट्टो रेजिपी, सो माय सिस्टर्स एंड आई वुड प्लेस ओवर सेल्व इन टाइम बाय रिमेंबरिंग एंड नेमिंग कुक्स। कहते जिस तरह फादर अयूबेरा बोलते थे, सेकंड मार्शल लॉ कहते थे, इस तरह फिर हमने भी क्या करना शुरू कर दिया, हमने भी कहना शुरू कर दिया रिलेट करते हुए, इन द अल्लाह दिता इरा क्यूम डेज। तो बेसिकली कुक्स को पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करके क्रिटिसाइज करी है यहाँ पे। आगे जिस तरह कहती है एक पैसेज के अंदर, आफ्टर जनरल अयूब केम जनरल याहिया, आफ्टर द भुट्टो ईयर्स केम जनरल जुलू हक। अब जनरल ज़िया हक को इसने यहाँ पर नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया, क्योंकि वो सारा उन्होंने जो इस्लामिक सिस्टम था उनको प्रमोट करना शुरू किया था। एनी हाउ, बट कैन ऑल्सो एड कयूम बिगट शॉर्टली एंड हीज वाइफ एंड दे बिगेट द पंजाबी पोइट ओनली कॉल्ड खान सामा, ही बिगेट रमज़ान एंड करमदाद एंड द बियरर सो ऑन। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट कुक्स के नेम लेकर, डिफरेंट पीपल के नेम लेकर ये जो क्रिटिसिज्म कर रही है, किस पे कर रही है, पॉलिटिक्स के ऊपर कर रही है, स्पेशली जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर। और अलादिता के बारे में कहती है कि अलादिता जो है ना वो इन सब के ऊपर था, काफ़ी देर तक हमारे साथ रहा, हम उसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, वो एक गुड कुक था। मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसने ना काफ़ी दिनों पहले ये अनाउंस कर दिया था कि वो बिल्कुल मरने वाला है, उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, ये उसका कहना था अलादिता का। तो कहते इसने इसकी हाफ फैमिली को जो है ना सर्व किया है अलादिता ने। एनी हाउ, सारा की जो मदर थी उनको खाना का जो वो फूड के बारे में, कुकिंग के बारे में बड़ा नर्वस होती थी, तो इसीलिए उनकी मदर बड़ा खुश थी कि अलादिता यहाँ पे है और यहाँ पे खाना वगैरह पका रहा है। और इसकी मदर जो थी वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी टीचिंग के लिए। फिर इसके पास स्टोरी शिफ्ट कर रही है फर्दर आगे, कहती जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा तो मैंने ना आके सीख लिया था कि मैंने खाना कैसे पकाना है, आई हैड टू लर्न, मुझे सीखना था कि आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक। कहती मैं आई, मैंने खाना पकाना सीखा, मैंने कुकिंग करना शुरू सीखी, नाउ आई लाइक टू कुक। फिर वो अपनी कुकिंग का सीन नरेट करते करते कि किस तरह उसने एक अंडा उबालना सीखा, कुकिंग किस तरह सीखी, और उसके साथ एक चैप था जिसका नाम था टॉम, ठीक है, उसके बारे में बताते हुए ये टॉम और तिलत की तरफ आती है। कहती टॉम एंड तिलत ट्राई टू बिहेव लाइक फ्रेंड्स, दे कुक टुगेदर इन अ वे आई लाइक्ड, बट विद मी द मैन वॉज सो लार्ज दैट ही कुड कंसीव ऑफ हिमसेल्फ ओनली इन बिट्स। तिलत और उनके दरमियान तो फ्रेंडली बिहेवियर था, लेकिन मेरे साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं था, मतलब मैं उसको, ये कहती है इसका दिमाग खाली, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता,
इवन के एक टाइम ही रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, उसको कहती है यू डू नॉट हैव द बैकबोन ऑफ अ श्रिम्प, आई मॉन्ट गेजिंग अप एट द स्प्रेड शीट ऑफ दैट मैन माउंटेन, यू हैव अ हेड द साइज ऑफ अ बाउल ऑफ पॉरेज एंड अ ब्रेन ऑफ साइज ऑफ अ पी, कि तुम्हारे पास इतना बड़ा दिमाग है उसके अंदर, तुम्हारे पास इतना बड़ा जो है ना सर है, छोटा सा दिमाग है। दिस वॉज इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था, आई वॉज सरप्राइज बियॉन्ड मेयर वेन द बिग हेड बेंट बैक एंड वेप्ट, कि वो पीछे मुड़ा और रोना शुरू कर दिया। उसने कहते हैं सरप्राइज हो इस चीज़ पे। यहाँ पे फेमिनिज्म आ रहा है कि एक मेल जो है उसके दिमाग के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया हुआ है कि एक बड़ा दिमाग तो है, बड़ा सर तो, लेकिन दिमाग छोटा सा है उसके अंदर, एक मटर के दाने जितना। फिर ये टॉम और टॉम के बारे में बात करते करते पहुँच जाती है दोबारा लाहौर की तरफ, पाकिस्तान में, कि कहते हैं वहाँ पर बारिश हो रही होती है और फिर हर जगह से मिट्टी की स्मेल आने लग पड़ती है, और बारिश में फिर लोग खाने का सोचते हैं। अगर जुलाई में बारिश शुरू हो जाए सबसे पहले तो फिर लोग मैंगोज़ के बारे में सोचते हैं, और अगर दोपहर के वक्त बारिश हो ना तो जो बच्चे हैं वो गार्डन में बैठ के आम खाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, मैंगोज जूस से चिपचिपे हो जाते हैं, फिर वो जो बारिश होती है उसमें स्लिपरी हो जाते हैं। कहते जब हमारा टाइम था, मैं, इफ़त, शाहिद, हम लोग भी ऐसे किया करते थे, और मामा जो थी वो बैठ के रीडिंग कर रही होती थी मानसून वरांडा के अंदर। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, इफ़त अपने बच्चों को ना हमारे पास छोड़ गए थे, फिर तिल्लत, फिर मैं मामा वाला काम कर रहे थे और बच्चे हमारे वाला काम कर रहे थे। किसके बच्चे थे? इफ़त के। और जो तिल्लत और जो सारा थे वो क्या कर रहे थे? वो वरांडा में बैठ के रीडिंग कर रहे थे। जो इफ़त के बच्चे थे वो इरफान के आने का बड़ा इंतज़ार करते थे क्योंकि उनको इरफान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। फिर मामा एक दफ़ा वहाँ पर थी ही नहीं, आफ्टरनून का टाइम था, मम्मा वहाँ पे नहीं थी, जब बारिश जो थी उसने हमारे भूख को बढ़ा दिया था। अब क्योंकि मम्मा वहाँ पे नहीं थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने क्या किया, सारा बता रही है, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, नुजहत अहमद एंड एला। अब इसे दो लोगों के नाम मेंशन किए हैं, एक है नुजहत अहमद और दूसरा है एला, ये दोनों लड़कियाँ हैं, ठीक है। इनके साथ कहते कहाँ गई हूँ मैं, बागे जना गई हूँ, जिसको लॉरेंस गार्डन्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से गोलगप्पे खाए हैं, गोलगप्पा होता गया, इसने उसको एक्सप्लेन किया। फिर कहती वी स्टॉप द कार नेक्स्ट टू द सम टॉल जामन ट्रीज, ये वो दरख्त था जहाँ पे बहुत साल पहले मैं और शाहिद चढ़ना पसंद करते थे। कहती हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस सब चीज़ों को। फिर कहती मैंने ये सारी स्टोरी फिर शिफ्ट हो रही है, प्रेजेंट में आ रही, कहती आई री टोल्ड दिस 10-year-old एपिसोड टू तिल्लत व्हेन शी केम विजिटिंग शॉर्टली आफ्टर शी हैड हिट मी ओवर द हेड विद हर टेस्टिकल इक्वल कपूरा टेल। कहती जब मुझे सारी कहानी सुनाई थी टेस्टिकल इक्वल कपूरा टेल, तब मैंने ये सारी 10 साल पुरानी जो एपिसोड था मेरी लाइफ के अंदर हुआ नुजरत अहमद और एला के साथ गोलगप्पा वाला, मैंने सारा कुछ उसको नरेट किया और पीछे जो जो बातें हुई हैं वो सारी की सारी। अब इसके बाद ऐसा होता है, सारा बताती कि एक दिन ना ऐसा हुआ कि ना विजिटर्स आने थे सारा के तरफ, तो सारा की सिस्टर तिल्लत उसकी तरफ आई हुई थी, तो इसने कहा उनको शामी कबाब बना दो, तिल्लत को कहा। कहती वो शामी कबाब बनाने लगे, उसने उसकी शेप ही पुट्ठी सीधी कर दी, उल्टी सीधी शेप कर दी उसकी, जिसको हम पंजाबी में पुट्ठी सीधी बोलते हैं, ठीक है, वो शेप बना दी इसने उसकी। सारा कहती मैं तिल्लत से ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन एनी हाउ क्या हुआ, कहती जब ये बन गया हमें मान आने वाले थे, तो सारा कहती तिल्लत को कोई बात नहीं, हम कह देंगे कुवैती कबाब है। अब ये भी लाइन देखी जाए तो सिंबॉलिक है, क्योंकि बनाने क्या थे शामी कबाब, शेप्स ख़राब हो गई उसकी, कह दिया कुवैती कबाब है, मीन्स इल्यूजन, धोखा देना, डिसीट करना। अच्छा, कहती जब ये वाली बात हो गई कुवैती कबाब वाली, और कहती मील तो बड़ी सेटिस्फैक्टरी थी, फिर स्टोरी शिफ्ट होती है कि तिल्लत जा चुकी हुई है। कहती आई मिस तिल्लत चिल्ड्रन व्हेन दे लेफ्ट, जब वो चले गए मुझे उनकी बड़ी याद आई। तो कहती मेरे सब बच्चों के, मतलब जो सारे बहन भाई थे उनके सब बच्चे थे, अब मेरा आंटपुर का कोटा पूरा हो चुका हुआ था। आई नो लॉन्गर आई एम गोइंग टू क्लटर माई हेड विद न्यू नेम्स न्यू बर्थडेज, कि मतलब अब बस अब पूरा कोटा हो चुका है, अब कोई न्यू नेम क्यों न्यू बर्थडेज नहीं होने वाली। फिर कहती है अचानक ही कुछ अजीब चीज़ होती है, वो क्या होती है, एक फ़ोटोग्राफ मिलती है, उस पर एक न्यू बेबी की पिक्चर होती है। फिर वो कहती है इफ़त की जो है ना वो डेथ हो चुकी हुई थी, और तो मैंने इफ़त के जो बच्चे थे ना वो 4 years आफ्टर शी हैड डाइड, 4 साल से नहीं देखे हुए थे। कहती तिल्लत और मैं दोनों गए हैं रावलपिंडी, वहाँ पर इफ़त की बेटी जो थी आयशा वो अपने पेटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ कह रही थी कि मेरी जो आंट्स हैं स्मेल लाइक माई मदर, बिल्कुल मेरी मदर जैसी हैं। कहते जब इसने ये चीज़ दोबारा रिपीट की तो कहते इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी,
अब कहते तिल्लत और मैं वहाँ पर 10 घंटे तक सोए। हम उठे लेकिन फिर सो गए। फिर राइटर की स्टोरी शिफ्ट हो रही है इसके ब्रदर की तरफ। कहती, मैंने जो ये वाक्या हुआ था ना, ज़्यादा देर तक सोने वाला, अपने भाई शाहिद को सुनाया। और शाहिद को कब सुनाया? कहती, शाहिद से मेरी तो बहुत कम मुलाकात होती ना, बहुत रेयर इनकाउंटर होता था। तो एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, 2 साल के बाद मिले थे। तो कहते, मैंने इसके बच्चे नहीं देखे थे। मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चे सुरैया और करीम कैसे हैं? तो आगे से शाहिद कहता, मैं तुम्हें बताता हूँ सारा। देन ही स्टॉप स्टिल एंड लुकड एट मी। कहता शाहिद, इट्स लाइक द थिंग दैट अ लश फॉरगेट्स विच इज़ द एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिटी। यह मेटाफोरिकल लाइन थी जो कि एम्प्टीनेस और सैडनेस इसकी लाइफ के अंदर है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि इसको खुद भी नहीं पता इसके बच्चे कैसे हैं। एनी हाउ, इसके बाद जो राइटर की स्टोरी है वो शिफ्ट होती है इसकी मदर की उर्दू की तरफ, कि इसकी मदर की जो उर्दू थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर एक दफ़ा इसकी मदर जो थी वो बरकत नाम का एक पर्सन है उसके साथ बातचीत कर रही थी, उसको दरवाज़ा दरवाज़ा कह रही हूँ, कम्युनिकेशन गैप मैंने बोलना था। तो उसमें कम्युनिकेशन गैप दिखाया जा रहा है बरकत की और इसकी मदर की जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर, उस लैंग्वेज जो है उसका भी रोल दिखाया जा रहा है, कि जो इसकी माँ थी वो वेल्श से बिलोंग करती थी, वेल से बिलोंग करती थी, और उसकी लैंग्वेज जो थी वो उर्दू नहीं थी। एनी हाउ, बरकत को गुस्सा आ रहा था जब उसकी मदर उसको कुछ बोल रही थी और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। तो बरकत जो उसकी मदर थी वो बरकत को तरफ देखती तो अपने गुस्से को छुपाता है, उसकी मदर उसको गुस्से से अपनी तरफ बुलाती है। रिप्रोच एज क्लियर एज बेल, ये इसकी मदर कहती है बरकत को। एनी हाउ, ये बरकत का और जो मदर का सीन था सारा शाहिद को याद दिलाती है, और शाहिद और सारा दोनों कहते हैं कि वो हंसते रहते हैं एट एजवेयर रोड की तरफ तक जाते हुए। फिर कहती है तिल्लत के स्टोरी पर शिफ्ट, कहती तिल्लत के जो थे वो 3 चिल्ड्रन थे, और जब वो चले गए यहाँ से न्यू हेवन से, मैंने उनको बड़ा मिस किया। उनमें से उसकी एक बेटी का नाम हिबा था और वो 3 साल की थी। एक बेटे का नाम ओमी था, ओमी मुझे पसंद नहीं करता था। इसके बाद स्टोरी जो है वो शिफ्ट हो जाती है फिर से इफ़त की तरफ। कहते इफ़त की जो है वो डेथ हो गई थी, उसकी डेथ से पहले मैंने एक ड्रीम देखा और वो ड्रीम जो है वो डेथ को ही सिंबलाइज कर रहा है। इसके बाद जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है नुज़ की तरफ। नुज़ जो है वो अपने भाई शाहिद को एक लेटर लिखती है, उस लेटर से रिफील होता है कि जो नुज़ है वो इनकी रियल सिस्टर नहीं है, स्टेप सिस्टर है। कहती डियरेस्ट शाहिद, आई एम सो सॉरी टू हियर ऑफ योर डिवोर्स। यहाँ से रिवील होता है कि बैक पे जो शाहिद ने कहा था कि वो हैप्पी नहीं, उसने काफ़ी देर से नहीं देखा अपनी वाइफ को, मतलब बच्चों को। तो इट मीन्स के वो लाइन इंडिकेट करती है कि इसकी और इसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका हुआ है। आगे से कहती है माय मदर हैज़ हैड अ ब्रेन हैमरेज। यहाँ से रिवील होता है कि जो नुजहत है उसकी जो मदर है वो उसको ब्रेन हैमरेज था। एंड आई एम कम्प्लीटली शटर्ड, और मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, लव नुज। नुज़ मदर, आप यहाँ पर बताती है कि जो नुजहत की मदर थी वो मेरे फादर की फर्स्ट वाइफ थी और वो फादर की कज़न भी थी। फिर इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है इसके मर्डर की डेथ के बाद। कहती 5 ईयर्स लेटर क्या होता है, इसकी मदर जो है वो बीमार हो जाती हैं, उनकी तबीयत जो है बड़ी ख़राब हो जाती है। ये खुद अमेरिका में थी और कहती 9th मार्च था जब माय मदर्स बॉडी फेल्ड टू रजिस्टर ऑन द हॉस्पिटल्स ग्रे स्क्रीन्स। अब इसके बहन भाई जो थे वो इसकी मदर के पास थे, बल्कि ये जबकि ये खुद नहीं थी, खुद अमेरिका में थी। इसको न्यूज़ दी गई लाइक 8 मार्च को न्यूज़ दी गई कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और 9 मार्च को इसकी माँ की डेथ हो जाती है और ये अपनी माँ से मिल नहीं पाती है। और अपनी मदर की डेथ से पहले ये एक ड्रीम देखती है, जैसे कि इसने इफ़त की डेथ से पहले ड्रीम देखा था। ख्वाब में खुद को लंदन में देखती है, कहती बड़ी अनलवली सी स्ट्रीट होती है, एक ब्लू कलर की वैन होती है, वो रिफ्रिजरेटेड कार होती है। उस कार के अंदर कहती मेरे फादर भी थे, वो बाहर आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं अपनी मदर को कफन में डाल दूं। कहती है कि वो अपने जो ब्लू कार थी उसको खोलते हैं वैन को, मैं ताकि मैं अंदर चली जाऊं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है बहुत ज़्यादा उस कार में। कहती वहाँ पर हंक्स होते हैं मीट के, हम कहते हैं बड़े बड़े टुकड़ों को जो कटे हुए होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि रैप हुए होते हैं सेलोफेन के अंदर। और कहती वो सब के सब गोश्त के टुकड़े ना ममा की तरह दिख रहे होते हैं, और मेरा टास्क ये था कि मैं उन टुकड़ों को उठाकर कफन जो पड़ा हुआ है स्ट्रीट के अंदर उसके अंदर डाल दूँ। जिस तरह एक पज़ल खेलते हैं ना, एक जिग्सा पज़ल होती है, बिल्कुल ये टुकड़े भी उसी तरह के थे।
जिनको इकट्ठा करके मैंने उस जो कफन था उसके अंदर डालना था। कहती मुझे नहीं याद मैंने ख्वाब में कितने ट्रिप्स देखे, मतलब मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे जो हाथ थे वो ठंडे हो चुके थे। और जब ख्वाब में मेरे फादर ने अपने बैग को टर्न किया, मेरी तरफ मुड़ के देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक चोर हूँ और मैंने उसमें से एक गोश्त का टुकड़ा चुराया था। किसके लिए चुराया था? फॉर द सेक ऑफ इफ्फत एंड शाहिद एंड तिलत एंड ऑल ऑफ अस आई स्टोल अवे अ पोर्शन ऑफ दैट बॉडी। इट वॉज अ पीस ऑफ हर फुट आई फाउंड अ स्मॉल बोन लाइक अ नकल विच आई क्विकली हिड इन साइड माई माउथ अंडर माई टंग। देन आई एंड द ड्रीम डिसॉल्व्ड into an extremity of tenderness। अब क्या हुआ है, क्योंकि इसके ड्रीम के अंदर इसके फादर ने ड्यूटी लगाई थी जितने भी डेड बॉडीज़ के यहीं के जो पार्ट पड़े हुए हैं मीट के उनको इकट्ठा करके कफन के अंदर डाल दो। जब वो कफन में डाल रही थी तो उसने उसमें से एक जो पार्ट था वो फुट का पार्ट था उसको चुरा लिया था। कहती मैंने किसके लिए चुराया? मैंने शाहिद के लिए, तिलत के लिए, अपने लिए, इफ़त के लिए, हम सब के लिए वो पार्ट चुराया था और उसको फ़ौरन से अपने मुँह में डाल लिया, खा गई, ठीक है। और ये कहती मैंने ख्वाब देखा था और कहती जब मैं ऐसा करी थी तो मेरे फादर ने मेरी तरफ देखा तो मुझे थेफ्ट लाइक फीलिंग आई थी। फिर कहती इट इज़ हार्ड टू बिलीव टुडे दैट आई थॉट द ड्रीम टू हार्श अ थिंग। पहले कपूरा का कह रही थी ना, अब कहती ड्रीम भी है वो भी एक हार्श थिंग है। ये लास्ट लाइन है इसकी, आई हैड ईटन दैट वॉज ऑल एंड वॉकन टू अ वर्ल्ड ऑफ मीटलेस डेज। और ये जो लास्ट लाइन है मीटलेस डेज, ये रेफर कर रही है डेज विदाउट मदर, क्योंकि जो मदर का मीट था वो मीटलेस हो चुका हुआ, डेथ हो चुकी हुई है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दुआओं में खास याद रखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोज़ भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू।